हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चंस और कुछ डेफिनेशंस और टर्म्स डिस्कस करेंगे जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज कल्चरल यूट्रोफिकेशन। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है कि यूट्रोफिकेशन क्या होता है। तो द इंक्रीज्ड फॉस्फेट इन लेक वाटर एसेंटुएट यूट्रोफिकेशन ऑफ लेक एंड दिस इज कॉल्ड कल्चरल यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन कब होता है? जब न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बढ़ जाती है लेक में, न्यूट्रिएंट्स की मात्रा लेक में बढ़ जाती है तो उससे सैवाल बढ़ जाते हैं और लेक में यूट्रोफिकेशन हो जाता है। तो हमसे क्या बोला है, इंक्रीज्ड फॉस्फेट या फॉस्फेट बढ़ता है लेक वाटर में तो वो यूट्रोफिकेशन हो जाता है लेक का, इसको ही कल्चरल यूट्रोफिकेशन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज एग शेप्ड सीवर। इफ़ ए सर्कुलर सीवर इज यूज्ड फॉर कंबाइंड सिस्टम इट विल बी अफेक्टिव ओनली ड्यूरिंग मैक्सिमम रेन वाटर फ्लो बट ड्यूरिंग ड्राई वेदर फ्लो वेलोसिटी जनरेटेड वुड बी वेरी लेस। जो सर्कुलर सीवर होता है, सर्कुलर सीवर, ये केवल मैक्सिमम रेन होती है, मैक्सिमम रेनफॉल होता है तब इफ़ेक्टिव होता है यदि हम इसको कंबाइंड सिस्टम में काम मिले। लेकिन जब सूखा होगा, गर्मी वाले दिन होंगे, तब पानी नहीं होगा उसमें इतना, वेलोसिटी होगी वो कम होगी फ्लो की, तब ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव काम नहीं आएगा। तो इसलिए सर्कुलर सीवर का एडवांटेज नहीं है। इसके लिए हम क्या प्रोवाइड करवाते हैं, हम एग शेप्ड सीवर प्रोवाइड करवाते हैं, ना कि सर्कुलर सीवर। इन विच स्मॉलर सर्कुलर पोर्सन विल बी इफेक्टिव ड्यूरिंग ड्राई वेदर एंड फुल सेक्शन इज इफेक्टेड ड्यूरिंग मैक्सिमम रेन वाटर फ्लो। जो एग शेप्ड सीवर होता है उसमें जो सर्कुलर पोर्सन होता है वो ड्राई वेदर फ्लो के लिए काम में आ जाता है और जो फुल सेक्शन होता है वो मैक्सिमम रेनफॉल के लिए काम में आता है। ठीक है, इसलिए हम एग शेप्ड सीवर प्रोवाइड करवाते हैं, सर्कुलर सीवर हम जनरली प्रोवाइड नहीं करवाते हैं कंबाइंड सिस्टम में। अगला है, व्हाट इज ड्रॉप मेन होल। ड्रॉप मेन होल क्या होता है? ए मेन होल विच इज कंस्ट्रक्टेड टू कनेक्ट दी हाई लेवल ब्रांच सीवर टू दी लो लेवल मेन सीवर। जब कोई ब्रांच सीवर मेन सीवर में आकर गिरता है, मेन सीवर में आकर गिरता है, ठीक है, तो हम क्या प्रोवाइड करवाते हैं, एक ड्रॉप मेन होल प्रोवाइड करवाते हैं। बाई वर्टिकल ड्रॉपिंग पाइप इज नोन एज ड्रॉप मेन होल। तो जब ब्रांच सीवर मेन सीवर से कनेक्ट होता है या फिर मेन सीवर में आकर गिरता है, हाइट कितनी दे रखी है, ग्रेटर देन 0.6 मीटर, तो जब इतनी हाइट से गिरता है कोई ब्रांच सीवर मेन सीवर में तो उसके लिए हम उस जगह पर एक ड्रॉप मेन होल प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन यूनिट ऑपरेशन एंड यूनिट प्रोसेस। द मीन्स ऑफ ट्रीटमेंट इन विच द एप्लीकेशन ऑफ फिजिकल फोर्सेज predominates are known as unit operations। ऐसा ट्रीटमेंट जिसमें application of physical forces ये predominates होते हैं उसको यूनिट ऑपरेशन बोला जाता है। मेजर ट्रीटमेंट मेथड्स फॉलिंग अंडर दिस कैटेगरी आर स्क्रीनिंग मिक्सिंग एंड सेडिमेंटेशन। कौन कौन से आते हैं इसमें यूनिट ऑपरेशन में, स्क्रीनिंग, मिक्सिंग और सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन ये तीनों किसमें आते हैं, ये आते हैं यूनिट ऑपरेशन में जिसमें एप्लीकेशन ऑफ फिजिकल फोर्स प्रोडोमिनेट्स होते हैं। ठीक है, सेकंड है यूनिट प्रोसेस। टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट इन विच रिमूवल ऑफ कंटामिनेंट्स इज ब्रॉट अबाउट बाय द एडिशन ऑफ केमिकल्स। ऐसा ट्रीटमेंट जिसमें केमिकल ऐड किए जाते हैं या फिर बायोलॉजिकल मास का यूज होता है, बायोलॉजिकल मास का यूज होता है और माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ होती हैं, माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ होती हैं उसको यूनिट प्रोसेस बोला जाता है। बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ एजेंट यूज्ड बायोलॉजिकल यूनिट प्रोसेस कितने टाइप की होती है, वो होती हैं सस्पेंडेड ग्रोथ प्रोसेस और अटैच्ड ग्रोथ प्रोसेस, दो टाइप की होती है। सस्पेंडेड ग्रोथ प्रोसेस में कौन कौन से आते हैं, उसमें आते हैं एक्टिवेटेड सिलज, इसके अलावा एरेटेड लैगून,
इसके अलावा ऑक्सीडेशन पॉन्ड, एरोबिक एंड एनारोबिक डाइजेस्टर, और जो अटैच्ड ग्रोथ प्रोसेस होती है उसमें आता है ट्रिकलिंग फिल्टर, रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर्स और बायो फ्लोअर्स, बायो टावर्स। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में आपसे, बोल देगा ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा जाता है आपसे, बोल देगा कि ऑक्सीडेशन पॉन्ड ये किस टाइप का है, सस्पेंडेड ग्रोथ प्रोसेस है या फिर अटैच्ड ग्रोथ प्रोसेस है। तो आपको याद रखनी है ये सस्पेंडेड ग्रोथ प्रोसेस है। सस्पेंडेड ग्रोथ प्रोसेस में कौन कौन से आते हैं, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस आता है, एरेटेड लगून आता है, ऑक्सीडेशन पॉन्ड आता है, एरोबिक और एनारोबिक डाइजेस्टर आता है, और अटैच्ड ग्रोथ प्रोसेस में ट्रिकलिंग फिल्टर आता है, रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर्स आता है और बायो टावर्स आता है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि यूनिट ऑपरेशन और यूनिट प्रोसेस। यूनिट प्रोसेस में तो केमिकल यूज में होते हैं, ठीक है, या फिर बायोलॉजिकल मास यूज में होता है, माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है, और जो यूनिट ऑपरेशन होता है उसमें फिजिकल फोर्सेज की तरह काम में लिया जाता है। फिजिकल फोर्सेज किस किस में होते हैं, जैसे कि स्क्रीनिंग हुई, मिक्सिंग हुई, ठीक है, या फिर सेडिमेंटेशन हुई, इसमें फिजिकल फोर्सेज काम आते हैं। ठीक है, और जहाँ पर केमिकल प्रोसेस काम में आती है उसको यूनिट प्रोसेस बोला जाता है। केमिकल प्रोसेस दो टाइप की बताई मैंने, सस्पेंडेड ग्रोथ और अटैच्ड ग्रोथ प्रोसेस। अगला है डिफरेंशिएट प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट सिस्टम। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रीटमेंट सिस्टम में क्या अंतर होता है। द पर्पज ऑफ प्राइमरी ट्रीटमेंट इज टू रिमूव सस्पेंडेड सॉलिड मटेरियल्स फ्रॉम द इनकमिंग वेस्ट वाटर। प्राइमरी ट्रीटमेंट का जो मेन पर्पज होता है वो होता है सस्पेंडेड सॉलिड रिमूवल। ठीक है, सस्पेंडेड सॉलिड्स को रिमूव करने के लिए प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है। आफ्टर प्राइमरी ट्रीटमेंट इफ वेस्ट वाटर इज फर्दर ट्रीटेड फॉर द रिमूवल ऑफ कोलोइडियल और सोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वेस्ट वाटर देन इट इज कॉल्ड सेकेंडरी ट्रीटमेंट वाटर। ठीक है, प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम सस्पेंडेड सॉलिड मटेरियल्स को रिमूव कर लेते हैं, लेकिन जो कुछ पार्टिकल्स होते हैं वो सस्पेंशन में होते हैं, कोलोइडियल फॉर्म में होते हैं, जो कि हटते नहीं हैं उसमें से सेडिमेंटेशन के बाद भी, प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद भी। उसके लिए हमें केमिकल ट्रीटमेंट करना पड़ता है और सेकेंडरी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर कहते हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद जो वेस्ट वाटर उसको दोबारा ट्रीट किया जाता है रिमूवल ऑफ कोलोडियल और सोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि कोलोडियल और सोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव करने के लिए सेकेंडरी ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, व्हाट इज द रोल ऑफ ग्रिट चैम्बर इन सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट में ग्रिट चैम्बर का क्या रोल है। द सेपरेट नॉन डिकेइंग हैवी इनऑर्गेनिक मटेरियल फ्रॉम सीवेज सो दैट इनऑर्गेनिक मटेरियल मे बी डिस्पोज्ड ऑफ विदाउट कॉजिंग न्यूसेंस। दे ऑल्सो असिस्ट इन प्रिवेंशन ऑफ ग्रिट एक्यूमुलेशन इन डाइजेस्टर्स एंड क्लेरिफायर्स। तो ग्रिट चैम्बर किस लिए काम में आता है, ताकि डाइजेस्टर जो होते हैं, डाइजेस्टर और क्लेरिफायर्स, इनमें ग्रिट नहीं फंसे, ग्रिट अटके नहीं, इसके लिए हम ग्रिट चैम्बर प्रोवाइड करवाते हैं ताकि ग्रिट अलग हो जाए। हैवी इनऑर्गेनिक जो मटेरियल होते हैं, हैवी इनऑर्गेनिक मटेरियल, उनको हटाने के लिए हम ग्रिट चैम्बर काम में लेते हैं। ठीक है, ताकि वो आगे चल के न्यूसेंस पैदा ना करें, न्यूसेंस क्रिएट ना करें।